हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जैसा कि हम ग्रुप डी के एग्जाम का एनालिसिस करते हुए, उसके सिलेबस का एनालिसिस करते हुए हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैंने अपने पुराने वीडियोज में आप लोगों को डिजीज के बारे में बताया, उनके कारकों के बारे में बताया। आज हम लेकर के आए अनुवांशिकता का चैप्टर। अनुवांशिकता के चैप्टर से भी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वो भी ट्रेडिशनल मेथड में ही पूछे गए हैं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी मैंने प्रचंड 50 का नाम दिया है। यहाँ पे कुछ 50 क्वेश्चन हैं जो कि बार बार कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। तो अगर अनुवांशिकता के चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आता है, वो डेफिनेटली इन्हीं में से आ जाता है। बहुत रेयर चांसेस है कि इनमें से बाहर क्वेश्चन आता है। तो ये 40 से 50 क्वेश्चन है जो ट्रेडिशनल मेथड से घुमा फिरा करके, इन्हीं से लिंक करके जो है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं प्रचंड 50 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारा लिख लिया है, मुझे पता है कि आप लोगों को साफ दिखाई नहीं देगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठें और मैं जो बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाएं, या आप इस वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देख भी लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि रीडिंग की चीज़ें एक बार आप सुन लेंगे कहानी की तरह, तो आपको याद हो जाएगा। ऑड वन आउट वहाँ करना होता है, पिक एंड चूज वाला आंसर होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करना है नहीं। तो आप ये 2-3 बार अगर वीडियो देख भी लेते हैं तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। और अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पॉज करके आप पेन पेपर लेकर के एक छोटा स्मॉल नोट्स बना लीजिए, जिसमें कीवर्ड्स लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि हाँ यही क्वेश्चन था, इस चैप्टर से रिलेटेड था। और इस तरह का कीवर्ड जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो आप लोगों को जो है याद आ जाएगा क्या आंसर है उसका। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है। अनुवांशिकी के पिता, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसके बाद हम देख लेते हैं अनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बेटसन ने किया था। सहलग्नता की खोज किसने की थी, तो ये भी बेटसन ने किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूफेनिक्स के बारे में पूछा गया है, तो यूफेनिक्स जो है वह जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है सदोष अनुवांशिकी का उपचार किया जाता है, उसे यूफेनिक्स कहा जाता है। ये स्टडी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, सामान्यतः निषेचन होता है तो डिम्ब वाहिनी में, फेलोपियन ट्यूब में, यह क्वेश्चन कई बार एकदम पूछा गया है फ्रीक्वेंटली वे में। ट्विंस पैदा होते हैं कब, ये कंडीशन आपको दे दिया जाएगा, एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं तब जो है ट्विंस पैदा होते हैं। जीन शब्द W.L. जोहानसेन ने दिया था। जीन क्या है, गुणसूत्रों पर मन का जैसी संरचना होती है क्रोमोसोम के ऊपर, उन्हीं को जीन कहते हैं और ये अनुवांशिकता का वाहक होते हैं। अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में चले जाएंगे। मैं अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाऊंगी। मैं अपने आने वाले वीडियो में जो है सब्जेक्टिव पॉइंट्स भी लाऊंगी। अभी मैंने वन लाइनर ले लिया है एग्जाम के व्यू से, ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 45 डे का जो स्ट्रेटजी हम कर रहे हैं उसके लिए सफिशियंट है। आप लोग यही कर लेते हैं, अगर 50 के 30-40 चैप्टर जो भी होंगे आपके जीएस के, तो वो काफी ज्यादा सफिशियंट हो जाता है। डिटेल में पढ़ने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। और फिर भी अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आप कभी देख सकते हैं, लेकिन लास्ट आवर में आप रिवीजन करें, नया कुछ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करें। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने इसमें क्वेश्चन है इसी से घुमा फिरा करके आगे पीछे उलट पलट के इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ लें, और गारंटी है कि वहां अनुवांशिकता चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी में से हिट कर जाएगा। आगे हम देखते हैं गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो यूट्रस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, तो यह भ्रूण परीक्षण है, भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। भ्रूण का पोषण किससे होता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या 0 होती है। एलोसोम क्या है, तो लिंग गुणसूत्र है। एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होती है। शिशु लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों पर। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण जो है वह 44A+XO होता है। ये फॉर्मूला है, ये पूछ लिया जाएगा, तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, बस इसको याद कर लेना है। इसके बाद मेल गुणसूत्र जो है वह कितने होते हैं, तो 22 जोड़ा होता है, प्लस जो 23वां जोड़ा है वह XY अलग अलग डिफरेंट होते हैं। फीमेल में 22 जोड़ा सेम XX होता है और 23वां जोड़ा जो है वो भी XX होता है। ये भी एक तरह से फॉर्मूला ही है, आपसे पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा, तो आपको ऑड वन आउट करना है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं बार पिंड किसे कहते हैं, तो मादा का एक कोशिका होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति ग्रस्त होते हैं अल्जाइमर रोग से। अल्जाइमर रोग की चर्चा जो है अपने पिछले वीडियो में मैंने की हुई है डिजीज वाले चैप्टर में। अल्जाइमर रोग का मतलब है व्यक्ति का याददाश्त जो है कमजोर हो जाता है, याददाश्त चली जाती है। अगला हम देख लेते हैं डीएनए संरचना का सही मॉडल बनाया था तो वॉटसन और क्रीक ने। डीएनए का द्विसंरचना का पता किसने लगाया था तो वॉटसन और क्रीक ने। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन यहाँ डील किए हैं ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सो मेनी टाइम्स दीज क्वेश्चन आर रिपीटेड फ्रीक्वेंटली इन ऑल द एग्जाम्स ऑफ SSC एंड रेलवे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे जो है रिपीटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीएनए में पाई जाने वाली सरकरा पेंटोज होती है। संकेत भाषा का संबंध है फिंगरप्रिंट से। नेक्स्ट हम देखते हैं गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं तो गुणसूत्रों को। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं तो डीएनए को। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है तो पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन बेस। इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है केवल आरएनए में। क्लोनित मेरिनो मेमना क्या था तो डॉली। डॉली नाम का जो मेमना था वो नाम आपको दे दिया जाएगा, ये डॉली काफी ज्यादा फेमस है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीमोफीलिया थैलेसीमिया दाब कोशिका अरक्ता ये सब जो है यह जीन के द्वारा होता है, जेनेटिक डिजीज है। टेस्ट ट्यूब बेबी, निषेचन बाहर होता है और विकास आंतरिक होता है, यानी कि भ्रूण का विकास जो है वह शरीर में होता है लेकिन निषेचन जो होता है वह शरीर के बाहर होता है, उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सेल्युलोज भित्ति पाई जाती है पौधे में, स्वपरागण का परिणाम होता है अंतः प्रजनन। नारियल पानी एक्चुअली में होता क्या है तो विकृत तरल एंडोस्पर्म होता है। जीएम फूड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या कई बार पूछ लिया गया है इसका फुल फॉर्म। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कई बार या माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को। एटम बम किसे कहते हैं तो कोशिका का आत्मघाती थैली जो कहते हैं लाइसोसोम को, ये भी कई बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। कोशिका का पावर प्लांट किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को। आलू की अक्षियां मदद करती है कायिक जनन में। सेलुलर तथा मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है तो हैदराबाद में। इस तरह के सेंटर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो चैप्टर से रिलेटेड जो सेंटर है वो भी हम देख लेंगे। ऐसे तो ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है लेकिन चूंकि यहां से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको भी यहां पे ले लिया। हम जब मिसलेनियस का पार्ट देखेंगे सेंटर हेडक्वार्टर या लेबोरेटरी तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन जो है हम देख लेंगे और कई बार पूछे गए मिसलेनियस का टॉपिक हो जाता है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहां है, CDFD हैदराबाद में है। यह भी अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस का पार्ट है लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये ले लिया है। जंतु कोशिका पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, कई बार पूछा गया है। कोशिका भित्ति और भी जितने तरह के हैं आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पे चूज करना होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन तत्व शरीर के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है तो बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन हम जानते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है तो अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल कितने आवश्यक होते हैं तो कुल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम में। जीन परिवर्तन किसमें होता है तो डीएनए में। मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है तो 46। ये सारे जनरल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। जेनेटिक्स से जितना भी क्वेश्चन आएगा, अनुवांशिकता से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस चैप्टर को टच किया जाता है तो वो इसी में से 90% से ज्यादा चांसेस है कि यहीं से वो क्वेश्चन जो है टच कर जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरएनए का मुख्य कार्य क्या है तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है तो न्यूक्लियोटाइड्स है। जीन का आकार क्या होता है तो सर्पाकार होता है। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं जीन बस्ती कहते हैं, जीन कॉलोनी। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक में पहले किसे बनाया गया तो ट्रांसजैविक बैक्टीरिया को बनाया गया था। एक कोशिका साइटोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है वह माइकोप्लाज्मा जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका।
तरीका है। स्वपरागण, स्वयुग्मन, परपरागण, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह। पानी एवं अन्य खनिज को जड़ से अन्य भाग तक, तो जाइलम और फ्लोएम का कार्य कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जाइलम, यानी पानी और अन्य खनिज पदार्थ को जड़ से अन्य भाग तक पौधों के ले जाता है, वह जाइलम है। श्वसन क्या है, तो अपचयन, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रक्रिया है या अपचयन की प्रक्रिया है। इसका पौधों में गैसों का विनिमय होता है स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा, हम लोगों ने पढ़ा है, पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण वगैरह चैप्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ये क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम देख लेते हैं। तो जब हम डिटेल में सब्जेक्टिव टाइप में पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देख लेंगे, अभी हम बस वन लाइनर देखेंगे। आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। आलू किस कुल का है, तो सोलेनेसी। इस तरह से कुल कई बार पूछा गया है, कुछ फेमस ही है जो कि कुल पूछा गया है, तो हम देख लेंगे। अनुवांशिक इकाई क्या है, जीन। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का मुख्य अंतर क्या होता है, तो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल का मेन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, उत्तक है समान कोशिकाओं का समूह, उत्तक जो होता है वह एक तरह से कॉलोनी है समान कोशिकाओं का, टिश्यूज का। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। इस तरह से हमने देखा यह प्रचंड 50 का क्वेश्चन है, जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो डिट्टो यहीं से पूछा जाएगा, थोड़ा सा चेंज करके लाइन को चेंज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से होगा। अगर आप इसे भी पेन पेपर लेकर के नोट डाउन कर लेते हैं, वन लाइनर छोटा छोटा, और लास्ट आवर में इसको भी पढ़ के अगर चले जाते हैं तो गारंटी है कि वहां पे आपका क्वेश्चन टच हो जाएगा, छूटेगा नहीं। इस तरह से हमने देखा कि प्रचंड 50 के सीरीज में आज दूसरा वीडियो था, जिसमें कि पहले वीडियो में मैंने डिजीज के बारे में बताया, आज हमने अनुवांशिकता का चैप्टर देखा। आगे भी हम इसी तरह की सीरीज लेकर के आएंगे और इस सीरीज की कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगी और आप लोगों के लिए इसी तरह से वन लाइनर और इजी टू रीड एंड लर्न जो है क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर बना करके लेके आऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।